अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग फैंटेसी यूट्यूब चैनल। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ऑरेंज केक फ्रेश क्रीम के साथ। लास्ट टाइम मैंने आपको ऑरेंज पाउंड केक बनाना सिखाया था ना, तो आज का जो केक है ना, उसी मेथड से हम इसका स्पंज तैयार करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। अब बाकी का जो सारा प्रोसेस है वो मैं आपके सामने करूँगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा तो। ये देखिए, बिल्कुल उसी मेथड से मैंने इस केक के लिए भी स्पंज जो है ना तैयार कर लिया हुआ है। अब बस सिंपल इस स्पंज को हम निकालेंगे, इसकी लेयरिंग कटिंग करेंगे और उसके अंदर जो क्रीम अप्लाई करेंगे अच्छे से। तो चलें हम जल्दी से ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं। लेयरिंग जो है ना, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे सिंपल मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है आधा कप के जितना। इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून की जितनी चीनी ऐड करूँगी, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये हमारा तैयार हो गया ऑरेंज सिरप। अब बस इस केक के स्पंज में ब्रश की हेल्प से ये ऑरेंज सिरप जो है ना हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है ना उसके ऊपर हम क्रीम डालेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम एक प्लेट पर लगा लेते हैं, ताकि जो हमारा केक है ना वो अपनी जगह से हिले नहीं। अब बस इसके ऊपर ये ऑरेंज सिरप ये डालेंगे और सिंपली हम जो है ना अपनी क्रीम अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस इसके साथ ही दूसरी लेयर भी मैंने रख दी केक की, और इसके ऊपर जो है अब अगेन ऑरेंज सिरप लगाया और अगेन क्रीम अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर केक जो है ना हमारा बहुत अच्छे से क्रीम लग के रेडी हो चुका है। अब इसको अब हम रख देते हैं फ्रिज में। जब तक ये सेट होता है तब तक हम अब तैयार कर लेते हैं अपनी ऑरेंज जेल, जो हमने इसके ऊपर टॉप पे लगानी है। तो ऑरेंज जेल के लिए मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है 1 कप के जितना। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के चीनी, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के जितना ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। और बस इसको अब हमने रख दिया पकने के लिए। मीडियम टू लो हीट पे इसको पकाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। बस इसको मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे और ये देखें, ये बिल्कुल हो गया थिक। इसको हल्का सा ठंडा करना है, बिल्कुल गरम गरम नहीं आपने पोर कर देना। यहाँ जो मेरी ऑरेंज जेल है ना, ये बहुत अच्छी सी ठंडी हो चुकी है। अब बस इसको जो है ना मैं सारे केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। और बस बाकी की जो क्रीम है ना, उसको इस तरह से हम थोड़ा सा केक को अपना कर देंगे डेकोरेट। और तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ऑरेंज केक। ज़रूर आप इसको ट्राई करें, मुझे बताएं आपकी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और वीडियो अगर मेरी पसंद आ रही है तो उसको लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।
बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है, डेफ़िनेटली ट्राई करें। मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी, और इसके साथ ही अब आपसे मुलाकात होगी एक और न्यू बेहतरीन मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें अब आपसे मुलाकात होती है एक और न्यू बेहतरीन वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।